नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। कहने को तो सिर्फ ये एक एकेडमी है, पर जिन्होंने अपने कंधों पे सितारे पाने का सपना देखा है, उनके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ही सब कुछ है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। वक्त आ गया है इंडिया के सबसे बेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचने का। एक सुनहरा मौका है सामने NDA-1 2019 एग्जाम का। Let's crack NDA-1 2019 एग्जाम with free crash course by TGM the great mentor. 101 online mock test, 93 videos and 350 plus free PDF notes. Download TGM for NDA, CDS and AFCAT exam app from Google Play Store or log on to www.thegreatmentor.com. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटोर, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिफेंस एग्जाम सच एज NDA, CDS एंड AFCAT। आई एम हर्ष मंगरोलिया, योर साइंस मेंटोर एट TGM। We team TGM prepared 35 days crash course for NDA-1 2019 examination. So today in this session we will learn about physics chapter gravitation, sound, atom and nuclei and heat. Hello, so now let's start with the question number 1. The question number is two spheres of mass M1 and M2 separated by a distance d are situated in air and the gravitational force of attraction between them is F. If the two spheres are kept in a liquid of specific gravity phi, then the gravitational force between them will be F phi F, F by phi or root of F, square root of F. So इसमें दिया गया है कि टू स्पीयर है जिसके मास दिए गए जो अलग अलग है M1 एंड M2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है और सिचुएटेड इन एयर, उसे एयर में सिचुएटेड किया गया है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच का जो F है। अब यही दो स्पीयर को अगर किसी लिक्विड में रखा जाए जिसकी ग्रेविटी जो है वो phi है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले मीडियम में जो दिया गया है वो था F। तो अब जब इसको लिक्विड में रखते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइ है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी मीडियम के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू जो है वो उसके मीडियम के ऊपर डिपेंडिंग करेगी कि वो एयर में रखा है या फिर किसी लिक्विड में रखा है, तो वो वैल्यू सिर्फ सेम ही रहेगी, जो एफ ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of acceleration due to gravity on two planets are g1 and g2. If g1 is equal to g2, then the two planets must have the same mass upon radius square, mass upon radius square. The first option of mass upon radius the whole square hai, second hai mass upon radius square, radius ya fir mass. To iska jo formula hai jo planet ke liye jo g ka formula hota hai wo hota hai g is equals to gm upon r square। ठीक है, इसे हम मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं कि जो g का फार्मूला है g इज इक्वल टू gm upon r square, जो कि प्लैनेट की g के वैल्यू के लिए होता है। अब यहाँ दिया गया है कि हमारे पास दो g है, g1 एंड g2। सो यहाँ हमें पता है कि g इज इक्वल टू gm upon r square होता है और वहाँ पे यहाँ पे जो g होता है वो कांस्टेंट होता है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सो अगर हम दोनों कि जो जी की वैल्यू है अगर उसे हम देखें तो g1 इज इक्वल्स टू gm1 अपॉन r1 स्क्वायर और g2 की जो वैल्यू है वो क्या है gm2 अपॉन r2 स्क्वायर। ठीक है, अभी जो कंडीशन दी गई है उसमें क्या दिखाया है कि g1 इज इक्वल्स टू g2, तो हम इस दोनों इक्वेशन को भी हम लोग कंपेयर करें
तो जी एम वन अपॉन आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक है। फिर जी तो कांस्टेंट है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एम वन अपॉन आर वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टू अपॉन आर टू स्क्वायर। सो मास अपॉन रेडियस स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर है जो कि अब मेरे ऑप्शन में दिया गया है। सो राइट आंसर इज बी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स टू टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन द वेट ऑफ अ पर्सन वेइंग 80 kg वुड बी 60 kg 80 kg 20 kg और 40 kg। सो द क्वेश्चन में दिया कि इफ द मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स टू टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर मास कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन उसका जो डायमीटर है अगर वो टू टाइम्स हो गया तो जो पर्सन का वेट 80 kg है वो क्या होगा। तो इससे हम फार्मूला की मदद से देखते हैं कि पहले वेट का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशन, एम या मास है या जी ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन का फार्मूला हमें पता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। सो लाइक ये इस तरह से कुछ है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन, लेकिन जी का पता है हमें जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम ये इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो जी इज इक्वल्स एम और जी की जगह पे लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक दिया गया है कि ये W का जो वैल्यू है जो भी मास जो प्रेजेंट वैल्यू था उसका वो है, अगर अभी उसे बोलो कि उसका जो डायमीटर है अगर वो टू टाइम्स हो जाए तो क्या होगा। सो W डैश जो नया वेट मिलेगा वो होगा जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर। टू टाइम्स आर स्क्वायर इसलिए है क्योंकि उन्होंने बताया कि वो डायमीटर को अगर डबल कर देंगे जो कि रेडियस को भी ऑब्वियसली डबल ही होने वाला है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर इसे हम डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/4 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एंड जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर जो W का वैल्यू है वो हमें पता है, सो W डैश इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू W, और W का वैल्यू भी पता है, ये लोग ने बताया है कि जो है वो है 80 kg है वेट, तो होगा 80 इंटू 1/4। सो नॉर्मल मैथमेटिकल जो हमें मिलेगा 20, तो जो पर्सन का वेट होगा अगर जो भी प्लेनेट का जो मास है वो कांस्टेंट रहे लेकिन उसका डायमीटर है जो डबल हो जाए, तो उसका वेट उस टाइम पे 80 kg था तो अभी न्यू डायमीटर के हिसाब से उसका वेट होगा 20 kg। सो राइट आंसर इज द सी 20 kg। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 4πr/3gg 3πgr/4g 4πg/3gr 3g/4πgr। इसमें दिया गया है कि रेडियस इज आर ऑफ द अर्थ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज। तो अगर हम फार्मूला से देखें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला था g जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी अगर इससे हम मास जो इसे m जो है वो मास है और मास का फार्मूला तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अगर तो जो प्लेनेट है उसका वॉल्यूम हम देखें तो होगा 4/3πr³, ये वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, तो ही हमें मास मिलेगा। और अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4/3 जो कॉन्स्टेंट है हम बाहर ले लेते हैं, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब का ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा g/r/d, ठीक है। और हमें दिया गया है कि डेंसिटी क्या होगा, तो जो ये डी है डी इज इक्वल्स टू इस न्यूमेरेटर में तो 3g हो जाएगा और यहाँ पे होगा 4πg/r।
फाइव फाइव मिनट टू टाइम्स लिख दिया, एक ही टाइम होगा, सो ये होगा 4πgr। तो ये ऑप्शन में भी हमें मिल दिया गया है 3g/4πgr, सो राइट आंसर इज दिस। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, इट इज लोड विद द एक्सेलरेशन 4.9 m/s², लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 m/s². देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द टू केसेस इज 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। सो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर दो स्ट्रिंग है जिसका एक्सेलरेशन हमें दिया गया है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का, तो दो वैल्यू हो सकती है T1 एंड T2। अगर हम देखें, अगर ये स्ट्रिंग है, सपोज़ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो उसका जो टेंशन दिया गया अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एनी टाइम जो जी होगा वो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव होगा और अप टाइम्स नेगेटिव होगा। और जो एक्सेलरेशन है, अगर उसको हम रिलेशन ग्रेविटेशन से निकालें, तो जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है तो जी प्लस ए होगा, और जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड जा रहा है तब जी माइनस ए होगा। आई विल एक्सप्लेन यू। अगर जब टेंशन का जो फार्मूला है T1/T2, जो दो चीज़ को ये लोग ने कंपेयर किया है, दो सिचुएशन दी गई है हमें, इसमें इस एम जी प्लस ए, क्योंकि ये T1 है, जी प्लस ए इसलिए लिखा है क्योंकि लोअर्ड विथ लिखा है यहाँ पे, लोअर विथ की ओर नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा जो ऐड होगा। और सेकंड कंडीशन में दिया है लिफ्टेड अप विथ एन एक्सेलरेशन, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, तो अब उस टाइम उसका एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स अपवर्ड ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड्स ही होगा, तो वो जी माइनस ए होगा। सो मास तो सेम ही रहेगा लेकिन जी माइनस ए होगा। अब जी का वैल्यू पता है हमें 9.8 होता है, मास ये लोग ने दिया है कि 1 kg है, तो ये 1 हो जाएगा, 9.8 प्लस एक्सेलरेशन दिया गया है लोअर टाइम पे 4.9, ठीक है, यहाँ पे भी मास 1 होगा, जी का वैल्यू 9.8 माइनस लोअर जब लिफ्टेड अप हो रहा है तभी भी 4.9 ही है, तो अभी इसे हम का सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 14.7/4.9। अगर इसे भी हम लोग और सॉल्व करते हुए हमें मिलेगा 3/1, जो है 3:1, सो राइट आंसर इज 3:1। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द प्रोपोगेशन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम द क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर एनर्जी, एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम एंड मास। सो जब भी लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवल्स करते हैं थ्रू एनी मटेरियल मीडियम, तो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव हमेशा खुद के साथ एनर्जी कैरी करके चलते हैं कोई भी मीडियम के हो, तो इसका आंसर एनर्जी ही होगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल, द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल वाइल द लाइट वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स। सो यहाँ पे दिया गया लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव्स जो है, सो द लॉन्जिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन विद द सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। सो फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव द मीडियम शुड हैव अ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस बट दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, सो दिस वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। सो इसका राइट आंसर होगा द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल वाइल द लाइट वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज एट नाइट, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, डिक्रीज इन नॉइज लेवल और डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज एट नाइट,
So at night the amount of carbon dioxide in air is increased, so this increases the density of the atmosphere. So as the intensity of sound wave is directly proportional to the density, so its intensity of the sound is increased because of the increase in density of air. So the right answer is increase of density in air. So now the next question is, the velocity of sound in any gas depends upon intensity of sound wave only, amplitude and frequency of sound, wavelength of sound only, density and elasticity of the sound, or sorry, elasticity of the gas. So यहाँ पे दिया गया है कि जो velocity sound होता है in gas में वो किस पे depend करता है. So velocity of the longitudinal wave in a medium is given by v is equals to under root of e by rho. ये एक्चुअली पूरा है, तो जिस यहाँ पे ई जो है वो इलास्टिसिटी है और रो जो है वो डेंसिटी है मीडियम का. सो द मीडियम मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस. एज द साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी. जो इलास्टिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर साउंड का जो वेलोसिटी और डिपेंड करता है गैस में. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म एंड लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड. सो यहाँ पे जो है कि पिच एंड क्वालिटी जो होता है साउंड का वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म पे, वेवफॉर्म और लाउडनेस पे, या फिर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ साउंड पे. सो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये जो भी मीडियम का डेंसिटी है उसके ऊपर जो उसकी पिच एंड क्वालिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है. और ये जो है वो जो भी मीडियम है जिसका डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जो डेंसिटी जो है वो चेंज होती है, क्योंकि अगर किसी जगह पे साउंड वेव कंप्रेशन हो गया तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे वो डिक्रीज हो जाती है. सो इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन पार्टिकल फायर एट द न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी ई इज आर जीरो. What is the distance of the closest approach when the particle is fired at the same nucleus with kinetic energy 2e? So दिया गया है कि एक particle को अगर nucleus की तरफ fire किया जा रहा है with kinetic energy e, तो उसका जो distance है वो r zero है, ठीक है. अगर फिर अगर same kinetic energy अगर 2e कर देते हैं तो उसका जो distance होगा, मतलब कि जो e था काइनेटिक एनर्जी जब उसका डिस्टेंस आर जीरो है, अगर टू टाइम्स ई किया तो आर जीरो का वैल्यू क्या होगा. तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फार्मूला है वो है आर जीरो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय ई. अगर ई को अगर आप टू टाइम्स कर देते हो तो वो आर जीरो बाय टू हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो राइट आंसर इज बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अकॉर्डिंग टू द बोर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट एक्साइटेड स्टेट इज 2π बाई एच, 3h अपॉन 2π, एच अपॉन पाई, एन एच अपॉन 2π. सो जो यहाँ पे दिया गया कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अकॉर्डिंग टू बोस थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा. सो एनर्जी हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्टार्टिंग जो प्राइमरी है, तो इसका जो फार्मूला है एनर्जी के लिए EN इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है. अब इसे दिया गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एनर्जी का जो एनर्जी है वो -3.4 है, तो अगर इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें 3.4 -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और मैथमेटिकली अगर इसे सॉल्व करें तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन -3.4, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4, यानी कि एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो एन इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
और हमें यहाँ पे दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एन एच अपॉन टू पाई, और n का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ से 2 है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 एच अपॉन 2 पाई, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा h बाय पाई विच इज़ अवर राइट आंसर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एरिया ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द ग्राउंड लेवल इज 2:1, 16:1, 8:1 और 4:1। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हाइड्रोजन एटम का जो रेशियो है एरिया का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है एंड ग्राउंड लेवल का है। सो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे एरिया हम अगर कंसिडर करें कि पाई आर वन स्क्वायर है, और फिर जब ग्राउंड लेवल पे अगर वो जा रहा है तो उसका एन का वैल्यू 2 होता है, और वो जो उसका एरिया आर टू होगा वो 4 times r1 होगा। सो अगर हम दोनों एरिया को कंपेयर करें, ए वन इज इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर एंड ए टू इज इक्वल्स टू पाई आर टू स्क्वायर, लेकिन आर टू का वैल्यू 4 r1 है जो हमें पता है, तो पाई 4 r1 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें ए टू बाई ए वन के इसमें, सो ये हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर वन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 16:1। सो राइट आंसर इज बी 16:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे ओबे द इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ पे दिया गया है कि क्या, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, सो ये एक राइट आंसर है। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, नहीं, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, सो ये रॉन्ग है। दे ओबे द इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस, सो न्यूक्लियर फोर्सेस कोई इनवर्स लॉ ओबे नहीं करते। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, नहीं, सेम, क्योंकि वो इनवर्स लॉ ओबे नहीं करते, तो राइट आंसर इज दे आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज इट्स मास वेरी विथ वॉल्यूम, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वी, मतलब वॉल्यूम मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है सब न्यूक्लियस के लिए, तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो राइट आंसर इज द सी। सो अ बायमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ ब्रास एंड आयरन, व्हेन इट इज हीटेड इट बेंड्स इनटू एन आर्क विद ब्रास ऑन कॉन्वेक्स एंड आयरन ऑन कॉनकेव साइड ऑफ एन आर्क, इट दिस हैपन्स बिकॉज इट इज ईजियर टू बेंड एन आयरन स्ट्रिप देन ब्रास स्ट्रिप, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा ऑफ ब्रास इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, और डेंसिटी ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन। तो जब भी कोई बायमेटालिक स्ट्रिप को बैंड करते हैं हीटिंग के टाइम, जब भी वो बैंड होती है, सो इट इज़ ड्यू टू द अनइक्वल लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स,
So the strips with have a higher linear expansion bends outward, यानी कि convex side. यहाँ पर हमें दिया गया है कि brass जो है वो convex side bend हो रहा है, यानी कि brass का जो alpha है linear expansion, वो coefficient of linear expansion जो है वो ज़्यादा है iron से. So the right answer is the B. So now next question is, 1 mole of gas at pressure 2 Pascal and temperature is 27 degrees Celsius is heated in such a way that both its pressure and volume are tripped. What will be the new temperature of gas? 3000 Kelvin, 2700 Kelvin, 1800 Kelvin, 900 Kelvin. So yahan pe diya gaya hai कि एक मोल जो है गैस का जो प्रेशर 2 पास्कल है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया है और ऑप्शन में सारे केल्विन में, तो हमें पहले इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा. सो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन. सो 27 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो इट्स मैंने हमें मिलेगा 300 केल्विन, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन. सो नाउ अभी आगे क्या दिया है कि इज हीटेड इन सच अ वे दैट बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर ट्रिपल्ड. सो व्हाट विल बी इज द न्यू टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो अगर जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का तीनों का रिलेशन है तो उसका जो फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1, जब इसे हीट करते हैं तो जो नया प्रेशर होगा P2 V2 और नया टेम्परेचर जो है वो T2 क्या होगा उस 1 mole का ऑफ गैस का. सो हमें P1 दिया गया है 2 पास्कल है और टेम्परेचर 27 डिग्री इज हीटेड इन सच अ वे दैट बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर ट्रिपल्ड. तो 3 times हो जाएगा. तो सपोज P1 था, V1 है, उस टाइम पर टेम्परेचर था 300 केल्विन. सो अगर उसे अभी हीट किया और उसका प्रेशर जो है P2 वो 3 times P1 हो गया, उसका जो वॉल्यूम है V2 वो 3 times V1 हो गया, तो उसका जो T2 का वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ से जो P1 V1 और ये P1 V1 कैंसिल हो जाएगा जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स. सो जो T2 का वैल्यू है 3 × 3 = 9 × 300. अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2700 केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है 300 वो केल्विन में दिया है हम लोग ने. सो राइट आंसर इज द बी. So the next question is, the inside and outside temperature of room are 30 degree Celsius and 40 degree Celsius respectively. By using the air conditioner, the inside temperature of the room is decreased from 30 degree Celsius to 20 degree Celsius. That is, the temperature difference is doubled. Then the thermal conductivity of the wall of the room will remain the same, be doubled, be 4 times और बी हेल्ड. सो यहाँ पे हमें बोला कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा. जब रूम टेम्परेचर था इनसाइड एंड आउटसाइड 30 डिग्री एंड 40 डिग्री सेल्सियस, बाद में एयर कंडीशन चालू किया, रूम टेम्परेचर विल बी डिक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस हो गया. तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा. तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम ही रहेगा, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ अ मीडियम and it does not depend upon its time dimension and temperature difference. So answer is remain the same. So the next question is, copper rod of length L, cross sectional area A and thermal conductivity K joins two receivers kept at 90 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. If the length of the copper rod is made half and its area of cross section is doubled, then the thermal conductivity of the rod will be 2k, k, square root of k, k by 2. So यहाँ पे देखिए copper rod of length L है, cross section area उसका A है और thermal conductivity k है. जो दो receivers से join किया गया है जो 90 degree और 30 degree Celsius पे है, और अगर if the length of the copper rod is made half and area of cross section is doubled, जो L है उसको L by 2 कर दे और एरिया है उसे डबल यानी कि 2a कर दे, देन द थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि जो k की वैल्यू क्या होगी. तो k की वैल्यू k ही रहेगी, बिकॉज k की जो k है थर्मल कंडक्टिविटी
वो एक मटेरियल का होता है. अगर मटेरियल का हम डायमेंशन या कोई उसका टेम्परेचर चेंज करें, इट डज नॉट चेंज विथ इट्स डायमेंशन, इट विल रिमेन द सेम. थैंक यू. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक्स. ओके, थैंक यू. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.